हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे की हलचल को लेके। बच्चा किस साइड में हलचल करता है, कितने महीने बाद हलचल करता है, नाभि के ऊपर शुरू करता है पहले या फिर नाभि के नीचे, और ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं, ओल्ड वाइफ का क्या कहना है, ओल्ड वाइफ इस पर किस तरह की बातें करती हैं और इससे क्या हम पता लगा सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी, बारीकी से आपको समझाऊँगी। और आपके जो भी डाउट है ना इस चीज़ों को लेके, तो मैं डाउट भी आपको जो है वो क्लियर कर दूँगी। और ये भी बताऊँगी कि मतलब जो बच्चा है वो कौन से महीने में, जो लड़की होती है वो कौन से महीने में और किक करना स्टार्ट करती है और लड़का कौन से महीने में किक करता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे आपको आपके जो डाउट हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ और आपको इसका रीज़न भी बताऊँगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे जो है हलचल बच्चे की स्टार्ट होती है, किसी किसी बच्चे के तीसरे महीने में भी हलचल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, किसी की चौथे या किसी की पाँचवें महीने में, ठीक है। लेकिन पाँचवें महीने तक जो है हलचल हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, बच्चा जो है तीन महीने कंप्लीट होते होते जो है बच्चा आपका पूरी तरह से बन जाता है। कभी कभी अगर बच्चा पूरी तरह से नहीं बन पाता है तो बच्चा आपका देर में मूवमेंट करता है, इसकी एक ये भी रीज़न होता है इसका, ठीक है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि बच्चा पहले मूवमेंट करता है तो क्या वो लड़की होती है या फिर लड़का होता है? अब कई केसों में आपने सुना होगा कि शुरुआत में तीन महीने के अंदर अगर किक मारता है बच्चा तो वो लड़की होती है, पाँचवें महीने में अगर किक मार रही चौथे पाँचवें में तो वो लड़का होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले देखिए रीज़न बताया है कि बच्चा जब पूरी तरह से बन जाता है कंप्लीट, तो बच्चा जो है किक मारना स्टार्ट करता है। अब वो चाहे बच्चा तीन महीने में बने, चाहे चार महीने में, चाहे पाँच महीने में, ठीक है। वैसे मोस्टली जो है तीन महीने तक बच्चा जो है कंप्लीट बन जाता है, तब वो किक करना स्टार्ट कर देता है। तो शुरुआत में जो है किक आपको इतनी नहीं महसूस होती है, लेकिन चौथे पाँचवें महीने तक जो है किक आपको काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो इससे लड़का या लड़की का कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे केसेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ, ठीक है। मेरा कभी तीसरे महीने में भी किक किया था, कभी चौथे पाँचवें में भी, तो इससे मुझे नहीं लगता कि लड़का लड़की का कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, कि बच्चा जो है ऊपर नाभि के ऊपर किक कर रहा है या फिर नाभि के नीचे किक कर रहा है, तो किस तरह लेफ्ट किक कर रहा है या राइट, तो किस तरफ जो है किक करने से पता चलता है कि वो लड़का है? तो देखिए, बच्चा चाहे लेफ्ट किक करे चाहे राइट किक करे, और नाभि के ऊपर चाहे नीचे, बच्चा नाभि के ऊपर तब किक करता है जब बच्चा जो है आपका, अगर बच्चा जो है नीचे की साइड में है, नीचे की तरफ किक आ रहा है, तो समझ लीजिए बच्चा जो है आपका अभी जो है पोजीशन नहीं चेंज हुई, बच्चा ऊपर की साइड में है। और जब बच्चा नाभि से ऊपर की साइड में किक करता है तो आपके बच्चे ने जो है हेड डाउन पोजीशन ले लिया, तो बच्चा आपका ऊपर की साइड जो है वो किक करता है। अब बच्चा जैसे कि अब आपका घर है, ठीक है, आपका घर है तो आप अपने पूरे घर में घूमेंगे, उसी तरह से पेट जो होता है बच्चे का घर होता है, तो बच्चा पेट में कहीं लेफ्ट राइट हर जगह घूमता रहता है। पेट में बच्चा चारों तरफ घूमता ही रहता है पूरे, मतलब जब तक उसका हेड डाउन नहीं होता है तब तक वो ऐसे ही घूमता रहता है, जब तक छोटा होता है पेट में, जब तक स्पेस होती ना तो बच्चा पूरे पेट में ऐसे ही घूमता रहता है। जब पेट में जो है स्पेस कम हो जाती है, बच्चा भी बच्चे की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, तब बच्चा जो है एक ही जगह पर रहता है इस तरह, तब बच्चा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसको घूमने की इतना स्पेस नहीं मिलता है। तो देखिए, हलचल से आप बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि तीसरे में होता है लड़की होती, पाँचवें महीने में जो है हलचल कर रहा है तो लड़का होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बातों में ना आके आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करिए, अच्छे से अच्छा बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो और आपकी डिलीवरी अच्छे से स्वस्थ हो जाए। कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लड़की हो लड़का हो आपकी संतान है। बाकी हाँ, मेरे कुछ और
सिम्टम्स हैं जो मेरे साथ हुए थे, मेरी नंद के साथ हुए, वो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग के जो डाउट थे वो मुझे क्लियर करने थे, तो मैंने वो क्लियर कर दिए। मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो और सिम्टम्स हैं जो कि कुछ कुछ मेरे साथ सही हुए थे, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।